हेलो स्टूडेंट्स, ये मैंने बनाया हुआ ईमेड्स नाम का प्रोजेक्ट है। तो ये फर्स्ट पेज है। इस पेज पे हमें यहाँ पे एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर करने के बाद यूज़र लॉगिन कर सकता है। ये कस्टमर लॉगिन है। यहाँ पे अगर आपको एडमिन लॉगिन करना है तो सिंपल यहाँ पे आके आपको स्लैश एडमिन करना है। एडमिन के अंदर आपको एडमिन के डिटेल्स एंटर करनी है। लॉगिन सक्सेसफुल हो जाने के बाद यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड दिखा रहा है। जो बैकएंड का प्रोसेसिंग होगा ये है। ये आपको अगर नई मेडिसिन कैटेगरी ऐड करनी है तो मेडिसिन कैटेगरी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मेडिसिन के डिटेल्स वगैरह ऐड कर सकते हो। न्यू मेडिसिन ऐड करनी है तो, या फिर कुछ मेडिसिन आपको सर्च करनी है तो यहाँ पे आके सर्चिंग कर सकते हैं मेडिसिन। या फिर यहाँ पे आके आप मेडिसिन कुछ आपको प्राइस अपडेट करनी है, क्वान्टिटी अपडेट करनी है तो अपडेट कर सकते हो। आपको अगर कुछ कूपन्स वगैरह जनरेट करना है, ऑफर जनरेट करनी है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। ये हो गया एडमिन पार्ट। तो यहाँ पे आप कौन सा कूपन एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है ये भी देख सकते हो। या फिर आप इसका स्टेटस भी अपडेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी अपडेट किया कूपन। यहाँ पे चेक कीजिए आप, यहाँ पे इनएक्टिव दिख रहा है। पहले तो एक्टिव था, तो ये स्टेटस एक्टिव इनएक्टिव आप कूपन का कर सकते हो। ठीक है। तो और यहाँ पे जो भी ऑर्डर्स आ रही है, वो ऑर्डर जो भी कस्टमर हमें दे रहा है, वो ऑर्डर यहाँ पे लिस्ट हो सकती है। तो ये हो गई एडमिन साइट, जिसके अंदर हम मल्टीपल आइटम्स मेडिसिन ऐड कर सकते हैं, प्राइस अपडेट कर सकते हैं, कूपन जनरेट कर सकते हैं, या कूपन चेक उसका उस कूपन का स्टेटस एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हैं। जो भी ऑर्डर्स आई है वो ऑर्डर यहाँ पे हम देख सकते हैं। न्यू ऑर्डर, पास्ट ऑर्डर भी जो भी है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो हमने बनाया हुआ एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन पूरा जावा के अंदर, जेएसपी के अंदर बनाया हुआ है। जेएसपी के अंदर मतलब सिंपल जेएसपी ही यूज नहीं किया है। जेएसपी के साथ साथ हमने एचटीएमएल यूज किया है, सीएसएस यूज किया है। ये डेवलप करने के लिए हमने बूटस्ट्रैप की मदद ली है। तो प्रोजेक्ट डेवलप करते समय आपको इन सभी चीज़ों का मतलब आपका आपको आना चाहिए। वो मतलब जावास्क्रिप्ट भी आना चाहिए, एचटीएमएल भी आना चाहिए, बूटस्ट्रैप कैसे इस्तेमाल करते वो भी आना चाहिए। आपको कॉलेज में बोला जाता है कि आपको सिंपल जावा में प्रोजेक्ट करना है। तो सिंपल इंडिविजुअल जावा प्रोग्रामिंग में प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, उसके साथ साथ बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको वहाँ पर इस्तेमाल करनी होती है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे यूजर नेम कुछ भी डाल देता हूँ, पासवर्ड कुछ भी डाल देता हूँ, यहाँ पे लॉगिन करता हूँ तो ये लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो ये हमने जो चेकिंग किया है, हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर किया है। या फिर अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, नॉट रजिस्टर्ड पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे कस्टमर नेम के अंदर मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ और आगे आता हूँ, तो ये जो वैलिडेशन किया हुआ है हमने, वो जेक्वेरी के अंदर किया हुआ है। तो आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होती है प्रोजेक्ट डेवलप करते समय। यहाँ पे मैं एक यूज़र से लॉगिन कर रहा हूँ। ये कस्टमर लॉगिन है। पहले तो हमने देखा था कि ये एडमिन लॉगिन था फर्स्ट। अभी मैं कस्टमर लॉगिन करके देख रहा हूँ। यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड किया लॉगिन मैंने। ये डैशबोर्ड जो है, ये डैशबोर्ड कस्टमर का डैशबोर्ड है, जिसके अंदर उसे कैटेगरी वाइज मेडिसिन अगर चाहिए तो कैटेगरी वाइज मेडिसिन सर्च कर सकता है। कोविड केयर के लिए अगर कुछ मेडिसिन है तो उसके लिए जो भी इक्विपमेंट्स है वो यहाँ पे लिस्ट हो रही हैं। तो ये कार्डियक के लिए कुछ मेडिसिन है, ये लिस्ट हो रहे हैं। अगर ये कुछ भी है तो यहाँ पे उसके अब तक के कितने ऑर्डर्स है, वो ऑर्डर्स यहाँ पे वो ट्रैक कर सकता है। या फिर यहाँ पे पास्ट ऑर्डर्स यहाँ पे देख सकता है। गेट ऑर्डर डिटेल मतलब मैंने 15 अगस्त 2022 को ऑर्डर दी थी 1222 रुपए की। तो ये गेट ऑर्डर डिटेल्स करने के बाद मुझे वो पूरा बिलिंग का फॉर्मेट ऐसे मिलता है। तो मुझे यहाँ पे पूरा मतलब ये फुल प्रूफ, ये प्रोजेक्ट हमने सिंपल जावा में बनाया है। और जावा मतलब सिंपल जावा नहीं, जावा के साथ हमने ये डेटाबेस भी बनाया था। नियर अबाउट 13 टेबल्स इस ई मेड्स के अंदर थे। लेकिन फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर एमसीए के अंदर आपको इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाना नहीं है, लेकिन इसी का कुछ पार्ट आप यहाँ आपके प्रोजेक्ट के अंदर बना सकते हो। तो ये था आपके लिए फर्स्ट प्रोजेक्ट का मतलब डेमो था। डेमो कहिए या फिर आपको इंट्रोडक्शन कहिए कि आपको किस तरह का प्रोजेक्ट बनाना है। तो ऐसे ही ई कॉमर्स साइट आपको बनानी है, या फिर आप अलग सा कोई भी स्मॉल टॉपिक लेके उस पे आप काम कर सकते हो। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपको क्लासेस लगाने के बाद ये आ सकता है, तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। 9730381255 इस व्हाट्सएप नंबर पर।